आंटी जी अभी फोन आया 1200 का। क्या कह रहे हैं? फिर से कैंसिल होगी फ्लाइट। आहो कसम से, ये पागल सही में। हमें ऐसे लग रहा है कि बर्गर नहीं खाना। एक बर्गर ने इनकी फ्लाइट छुड़वा दी। इनको अकल नहीं है, जब यहाँ से गए हैं आज इस बार नहीं होते, इस बार नहीं होते कर रहा था ये, फिर इन्होंने वही कर दिया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी का सीन ये है, पारस भाई और जा रहे हैं गोवा, तो अभी जाना है उनको छोड़ने, तो मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट उनको छोड़ने, तो भी चलते हैं। और आपके लिए एक और सरप्राइज है, तो भाई देखना कि वहाँ पे और कौन कौन साथ जा रहा है। तो चलो अभी निकलते हैं, काफी लेट हो रहा है। आप भी चल रहे हो क्या छोड़ने? आप भी चल रहे हो? ना वैसे जा तो सकते हैं, कोई जाने में खाली है गाड़ी, देख लो चलना है तो चले। बताओ आपका मन है तो, आपका मन है तो देख लो, तबीयत ठीक है तो ठीक है, क्योंकि अपने को एक दो घंटे लग जाएंगे आने जाने में। अच्छा हाँ, फिर वो काका रोएगा। हाँ फिर वो रोएगा, तो घर ही रहना पड़ेगा। हाँ तो भाई अभी ये रोएगा, दवाई ले रहे आंटी जी, आंटी जी की भी तबीयत खराब है, ठीक ही नहीं हो रही। तो गाइस यहाँ पे पारस भाई हो चुके हैं रेडी, चलें। चलो लेट हो गए हैं यार, मैं क्या करूं, व्लॉग अपलोड कर रहा हूं, वाईफाई इतना स्लो है, बार बार रोज व्लॉग लेट आ रहा है आपका, क्या करूं मैं, वाईफाई से परेशान हूं। देखो अभी भी चल रहे भाई, आपको भी बोला था ना वाईफाई नहीं चल रहा, क्या करूं परेशान हो गया यार, दो दिन से गाइस व्लॉग जो है इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि वाईफाई बहुत स्लो चल रहा है, बट स्टिल लगे हैं अभी। वाईफाई स्लो के चक्कर में फ्लाइट उड़ जाएगी। नहीं उड़ती नहीं, आज 6:30 बजे की फ्लाइट है भाई। अच्छा आज मैंने पहले ही अपने आपको चैलेंज दिया था कि मैं 3 बजे निकल जाऊंगा, बट 3:30 हो गए, अगर मैं 4 भी निकलूंगा तो भी फ्लाइट मिस नहीं होगी। हां तो भी मिस नहीं होगी, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे हम, है ना, तो आज मिस नहीं होने देंगे, एक बार हो चुकी है पहले। हां एक बार पहले पैसे खराब हो चुके हैं, अभी तक वापस नहीं आए वो पैसे भाई। वो तो फ्लाइट कैंसिल हुई थी जब पुलकित और मैं गए थे केरल। हां तब तो कहां गए थे? केरल नहीं, बेंगलुरु गए थे, बेंगलुरु से गए थे। हां तो भाई 50,000 रुपए लग गए थे हमारे, सिर्फ 10 मिनट लेट होने की वजह से। एक घंटा पहले एंट्री करनी होती है ना। हां और हम सिर्फ 2 या 3 मिनट लेट थे बस, एक घंटा पहले वेब चेकिंग होता है, हमने वो नहीं किया था बस, और 2 मिनट वजह से ना, 2 मिनट की वजह से लेट हो गए थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं होने देंगे भाई। तो चलो जल्दी निकलते हैं, याद करना मुझे, याद करना, वीडियो कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, याद करो, जिसको भूल लो वीडियो कॉल करते रहेंगे, ठीक है गाइस? ठीक है। तो गाइस एक बंदा है और यहाँ पे दो दो बैग हैं, चार बंदे हैं, चारों के कपड़े तो डाल ले जा रहे हो आप, एक में प्री वेडिंग के कपड़े हैं, एक तो है, एक तो पिन्नी का है, क्या बात। अच्छा तेरी भाभी का है? अच्छा अच्छा, मेरे को लगा आपके ही है दोनों। नहीं नहीं एक तेरी भाभी का। कैसे करते हैं रीजा के लिए लाएंगे, टॉयज बहुत सारे हैं ना। बहुत चलो बाय रीजी, बाय कर दो रीजू, बाय 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 बाय, चल वेरी गुड। तो गाइस यहाँ पे दोनों बैग रख दिया, मेरे को लगा कि दोनों बैग पारस भाई के हैं, आपको मिलवाते हैं अभी उनसे जिनका दूसरा बैग है। हेलो जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ठीक हो आप? तो आराम से जाना। ठीक है, टाइम नहीं है, जल्दी चलो, टाइम नहीं है, चलो चलो चलो। तो गाइस अभी घर से निकले ही थे पारस भाई के, यहाँ भी रेडबुल लेने गए, अभी समझाना पड़ेगा इनको, बहुत ज्यादा पीने लग गए हैं, आपको तो पता नहीं चलता, डेली की 2 या 3 पीते हैं ये, तो फिर आप समझाया, आप समझाओ, मैं भी नहीं सुनेंगे आप, नहीं नहीं वो ठीक है बात भाई हो। हाँ। मेरे लिए भी साथ ले आते हैं, फिर मेरे को ही पीनी पड़ जाती है, बट आपको मतलब आपको समझाना पड़ेगा ये। भाभी जी मना कर रहे हैं नहीं पीनी है, भाभी जी तो सब चीज मना कर रहे हैं, वो कुछ पीते नहीं ना भाई, ना कोल्ड ड्रिंक, ये है ना। तो गाइस अभी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और भाई निकल रहे हैं, आज काफी जल्दी आ गया मैं ना, yes, bro. 2 घंटे पहले अब मैं सीख गया हूं टाइम से आना। हाँ अब अरे भाभी साथ आना था ना तभी टाइम से पहुंचे हो, सीखता है इंसान गलतियों से सीखता है। अच्छा चलो बाय बाय, ध्यान रखना। ओके बाय भाभी, ध्यान रखना, बाय। तो गाइस अभी पारस भाई और को छोड़ दिया, और जिन्होंने साथ जाना था वो जाना था कोमल दीदी और जीजू ने, वो काफी लेट हो गया आने के लिए, नहीं तो आपको उनसे भी मिलवाता, और यहाँ पे 5 मिनट से ज्यादा कार पार्क नहीं कर सकते, इसलिए मेरे को यहाँ से निकलना पड़ा, उनको भी आने में 15 से 20 मिनट लगेंगे जीजू और को, तो कोई ना उनसे वीडियो कॉल करेंगे, जब वो गोवा पहुंच जाएंगे तो आपको मिलवाएंगे। और गाइस अभी निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि घर पहुंचने में भी 1 घंटा लग जाएगा मुझे, तो अभी निकलते हैं। तो गाइस अभी एयरपोर्ट पे छोड़ के पारस भाई को घर आ चुके हैं, अभी चलते हैं ऊपर और हृदय से मिलते हैं भाई, कि वो रोया तो नहीं घर पे पीछे से, तो चलो ऊपर चलते हैं। तो गाइस अभी ऊपर आ चुके हैं, छोड़ आया उनको मैं, सही है, फोन आ गया था, फोन आ गया था। हाँ। वो कोमल दीदी और जीजू तो पहुंचे नहीं थे, हम पहले पहुंच गए थे। अच्छा हाँ, उनको भी 20-25 मिनट लगते, फिर मैं रुका ही नहीं, इतनी देर गाड़ी खड़ी नहीं करने देते वहाँ पे, पुलिस वाले आ जाते हैं। ये तो मनोहर ने बताया ही नहीं, लोग ने कौन आ रहा साथ। हाँ हाँ उसने नहीं बताया ना, मैंने बता दिया अब। अच्छा हाँ, तो गाइस ये सबके लिए सरप्राइज था,
कि हमने बताया नहीं, मैंने सोचा दिखाऊंगा वहीं जाके सबको, पर दिखा ही नहीं पाया। आप तो बस बता ही सकते हैं और क्या ही करें, है ना। वो पहुंचे ही लेट है, मोनू ने मेरे पास फोन किया कि देख ले अभी तक पहुंचे नहीं। हाँ हाँ, फिर 5 मिनट में पहुंच गए। हाँ वही 5, उनको टाइम लगता है इसीलिए मैं निकल गया वहां से, नहीं तो पार्किंग में लगानी पड़ती गाड़ी उनसे मिलता मैं तो फिर मैं आधा पौना घंटा खराब हो जाते। उन्होंने तो अंदर ही जाना था। हृदय कहाँ है? सो गया। सो गया, रोया नहीं है पीछे? ना कुछ नहीं रोया, वो बल्कि कह रहा था नीचे मेरे को खेलने दो। अच्छा, वो नीचे था ना? हाँ, तभी नहीं रोया, उसको खेलने में लगाया था। वो ऊपर ऊपर होता तो नहीं। फिर उन्होंने ये कहा है ना, हम स्कूल वाली बस में जा रहे हैं, स्कूल से उसको डर लगता है। तो भाई हमें कहीं जाना होता है ना तो हम उसको यही बोलते हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। नहीं तो वो हर जगह जाने में वो होता है कि जिद करते कि मेरे को भी लेके चलो कई जगह। स्कूल का नाम ले देना कि चले, अरे नहीं नहीं फिर तुम जाओ, फिर यही करते हैं। तो गाइस हृदय भी उठ चुका है और जब से उठा ना इसको दोबारा से खांसी हो रही है। हो रही है ना खांसी? है तो अब खांसी हो रही है तो अब क्या करना पड़ेगा? दवाई पीनी पड़ेगी। पीनी पड़ेगी तो अब पियेंगे दवाई। एक साथ पियोगे? एक साथ थोड़ा ना पी जाएगी, आराम आराम से पियेंगे। नहीं आराम आराम से पियेंगे। नहीं ठीक है, पहले ये वाली। पहले ये वाली? तो गाइस पहले ये वाली दवाई पिएगा, फिर ये वाली। दो दवाई पीनी है। ओके, एक मिनट नहीं लगाता, एक मिनट में पी जाता। हाँ बहुत सियाना है हृदय, है ना, गुड बॉय है। एक मिनट में पहले रोता था, अब तो रोता भी नहीं हृदय पीते हुए। अभी इसका मुंह देखना, अभी इसका मुंह देखना। कैसी थी? अच्छी थी। फिर और पिलाए? हाँ क्या ये पीऊंगा, मीठी वाली। ये कौन से वाली है दीदे? ऑरेंज वाली। ऑरेंज वाली, ये तो ऐसे मिनट में पीता है, ये तो शौक से पीता है। ऑरेंज वाली कैसी थी? फुल टेस्टी है। तो अब से माजा पीनी बंद कर दो, ये दवाई पीनी है आपने। देखो फिर खांसी होगी ना। ठीक है, ठीक है। अब माजा पियोगे? चिप्स कुरकुरे? ये देखो ओवन के पास रख के आओ बाबू, ये ओवन के पास रख के आओ। जा रख के आओ, आराम से रख के आना। अच्छा रुको, पहले पिएगा ये भी पिएगा। ज्यादा नहीं पीना बाबू पानी, बस 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 जाओ रखाओ, जाओ जल्दी से रख के आओ, जल्दी से। वेट कर रहे हैं आपका। कैडा मान जाता है? हाँ कभी कभी मान जाता है, जब फोन नहीं चला रहा होता तब। तो देखो गाइस ये रखने आया है, रख दिया। चले बंदर, क्या खेलेंगे? बैट बॉल खेलेंगे। हैं आपको खेलना आता है बैट बॉल? दो फिर बॉल में फेंकूं। जाओ उधर जाओ। तो गाइस जब भी हृदय खेल रहा बैट बॉल, आराम से फेंके। येलो बॉल आ गई। ओ वाओ, हृदय ने मारा 6। आराम से आराम से, येलो आ गई, आ गई, आउट हो गया हृदय। ये आराम से ही तो है। चलो ये लो राम। अच्छा नीचे रख के फेंकूं? ये लो आउट। आंटी जी अभी फोन आया 1200 का, क्या कह रहे हैं फिर से कैंसिल होगी फ्लाइट। आहो कसम से, ये पागल सही में। इनकी 6:10 की फ्लाइट थी, ये अपना खा रहे हैं आराम से। अच्छा, और 6:25 पे ये गए अंदर, वो फ्लाइट ही नहीं थी तब तक। तो पागल तो नहीं है ये? बताओ फिर टिकट के पैसे इन्होंने खराब करे हैं, अब वापिस आ रहे हैं, अब कल की बुक करी है इन्होंने। इनको अकल नहीं है, जब यहाँ से गए हैं, आज इस बार नहीं होते, इस बार नहीं होते कर रहा था, ये फिर इन्होंने वही कर दिया। अब ज्यादा नहीं लगेंगे फिर पैसे भी? पैसे क्या, जितने टिकट की पहले लगे थे पैसे वो खत्म। अच्छा वो गए, अब वो गए, अब दोबारा और भरने पड़ेंगे। क्या गए बता। तो गाइस मेरे को तो ये लगता है पारस भाई की किस्मत में है ही नहीं, जब भी गोवा तो किस्मत में ही नहीं है। 3 बार से ऐसा हो रहा है, 3री बार लगातार जब भी गोवा की टिकट होती है या तो खुद खराब हो जाता है कुछ ना कुछ, और या तो खुद से लापरवाही से कैंसिल हो जाती हैं। इस बार तो लापरवाही से हुई है। इस बार इनको लगा कि 6:25 जो उनकी लापरवाही होती है उनके पैसे कौन देगा, वो तो फिर खुद लेते हैं वो वापिस। कहाँ दिए वापस? वो अभी तक दिए नहीं उन्होंने वापिस, पर वो तो कह रहे हैं कंप्लेंट डालो पैसे आ जाएंगे आपके वापिस।
वो भी खुद की वो है, हमने कंप्लेन ही नहीं डाली। क्यों नहीं डालते फिर कंप्लेन? डालो, कंप्लेन डालनी पड़ेगी। अब वो कह रहे हैं कि हमने कल की वापस कर लिया पर फ्लाइट, अब अभी वो वापस आ रहे हैं। हां जी, फुटबॉल खेलते हैं देखते कौन जीतता है। ऐसे नहीं हो जाता, सवारियां नहीं गई तो कुछ कर ले भाई कल में। ऐसा कुछ नहीं होता, ये प्लेन में बस में ही नहीं होता आंटी जी। आजकल ऐसा, आपकी बस छूट गई तो वो पैसे थोड़ा ना वापस देंगे अगर आपने ऑनलाइन बुक कर रखी है। वो तो आपकी गलती से इंतजार नहीं करते भाई, कौन रह गया कौन। इनको लगा कि इनकी 6:25 की फ्लाइट है और फ्लाइट थी 6:10 की। इनको लगा इनको यही काम होता है, पता तो कर लेते आगे जाके, ऐसे लगता रहता है। अब तो क्या कर सकते हैं, अब तो वापस आ रहे हैं, अभी आके पूछेंगे उनसे क्या हुआ क्या नहीं। तो गाइस अभी दीदे देखो मेरे से छुप रहा है, पक्का कुछ ना कुछ गलत किया इसने। क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? ये फोन तोड़ रहा था ना, फेंक रहा था, मेरे को आवाज आ रही थी। पता नहीं ये कौन सा फोन है, ये मेरा फोन है, ये अभी नीचे फेंक रहा था, ये फेंक रहे थे ना। झूठ बोल रहे हो, सही बताओ, मेरे को आवाज़ आ रही थी कि आप फ़ोन फेंक रहे हो। हैं, माधव ने फेंका है, बोलो माधव ने फेंका है। माधव कहाँ से आ गया, यही फेंक रहा था अभी फ़ोन। माधव कहाँ से आ गया, ये देखो छुप रहा है, जो चलाता है ये जो टूटा हुआ है, और फिर ये और तोड़ रहा है इसको। ये देख, चार्जिंग खत्म हो गया तभी फेंक रहा था। हैं, कुछ कर तो नहीं रहा। और कह रहा है माधव ने फेंका था, माधव ऊपर से फेंक रहा था। अच्छा दीदी आपको पता है पापा वापिस आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं। हाँ, कौन से? मोनू पापा है, छुट्टी नहीं, उनकी फ्लाइट कैंसिल होगी, अभी आ रहे हैं वापिस। छुट्टी नहीं हुई, फ्लाइट कैंसिल होगी उनकी। इनको इसको यूं कह के ना, स्कूल जा रहे हैं, मोनू ने दिखा था स्कूल वाली बस में जा रहा हूँ। छुट्टी होगी इतनी जल्दी उनकी, हाँ उन्होंने काम नहीं किया होगा ना, तभी छुट्टी कर दी मैम ने उनकी। हाँ मैम ने मारा भी है उनको, मैम ने उनको बहुत मारा है कि आप काम नहीं करते अच्छे से। वो कहती थी मैम हृदय कर लेता इससे अच्छा तो। हाँ हाँ, मैं मारेगी क्यों, आप तो पूरा काम कर लेते हो, है ना। अभी आ रहे हैं पापा, भुया, भुया भी आ रही है, जीजू भी आ रहे हैं, जीजू भी आ रहे हैं। सॉरी जीजू भाई, हाँ मैंने कहा कल जीजू को मारेंगे, मैं ऊपर से देख लिया जीजू को मारेंगे, जीजू तो आए नहीं। हाँ जीजू आ रहे हैं अब, पहले देख लिया था। क्या देख लिया था? छुपे नहीं हुए थे, वो अपने घर से आ रहे हैं। पता था आपको? गेट बंद है। क्या कह रहे हैं? गेट बंद है। अच्छा गेट बंद है, हाँ। गेट खोल देंगे जब जीजू आएंगे। अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं अभी। अच्छा जाते जाते। कोई नहीं अब आ रहे हैं, टीचर ने उनकी छुट्टी कर दी। ठीक है, क्या कह रहे हो? घर पैदल पैदल चल के आ रहे हैं। हाँ। पैदल नहीं आ रहे, कैब से आ रहे हैं। कैब से? यस। क्या तो बहुत थे वक्त मिल गया तुझे। हाँ अभी आ रहे हैं जीजू, भैया, मोनू पापा। आज तो ठीक है पक्का। फिर क्या करोगे? जीजू ने मुझे बता के वाली कर दी, पापा ने मना की थी, मैंने रख दी थी। हाँ रख दी थी, समझदार हो ना बहुत, है ना। एसी भी चला रखा है इसने। हाँ ये एसी भी चला रखे, पंखे भी चला रखे इसने। इसको इसको बहुत, इसको बहुत शौक है ये बटन ऊपर नीचे करने का। मेरे रूम में आया, वो देखो सारी लाइटें बंद कर दी, सारी लाइटें पंखे बंद कर दिए। लाइटें जलाओ, पंखा भी चलाओ, पंखा चलाओ। मेरे रूम में आया, एसी चला दिया इसने। मैंने कहा एसी क्यों चला रहा है, इतनी ठंड है। कहता रुक जाओ मैं उस वाले बटन से बंद करके आऊंगा। पहले रिमोट से ऑन करके फिर वहां गया बटन से बंद करने। है शरारती, हाँ एसी नहीं चलाना, एसी ठंड लग जाएगी। अभी तबीयत खराब है ना आपकी? तो गाइस देखो हमने यहाँ छुपा दिया, अभी अभी पारस भाई और सब आ गए हैं, अभी रिदू सरप्राइज देगा उनको, है ना। हाँ अभी यहीं छुप जाना, ठीक है। अब वो जब आएंगे ना एकदम से डरा देना। हाँ ठीक है ठीक है, यहीं यहीं बैठ रहा हूँ यहीं पे। हेलो, वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक।
हेलो रिद्या, वेलकम बैक। वो सरप्राइज देने के लिए छुपा हुआ था। कहते हैं पापा की जल्दी छुट्टी होगी। हम बहुत जा गए। अब देखो गेट के सामने जो है। तो गाइस आज ये सब गोवा में बीच में अभी मजे ले रहे होते, पर अब देखो यहाँ घर में काम करना पड़ रहा है इनको। क्या बना रहे हो? राजमा चावल। सही बनाओगे ना? सही आंटी को भी शक है कि अचानक बन जाए तो हो सकता है। गंदा बने तो भी मत बताइयो व्लॉग में। नहीं नहीं मैं सही बताऊंगा। तो कह दिया। वैसे बुरा तो लग रहा होगा, पर बुरा क्या ही लगना, कल तो चले जाओगे। एक बर्गर ने इनकी फ्लाइट छुड़वा दी। सही टाइम पे पहुंच गए थे सब, एक घंटा पहले, दो घंटे पहले। नहीं बिल्कुल सब चेकिंग वेकिंग हो गए सब। आप आधे घंटे बाद आए हो। पारस और भाभी जी को तो मैंने दो घंटे पहले छोड़ दिया था। हाँ। पारस आज इसीलिए पहले गया कि आज फ्लाइट नहीं छूटनी चाहिए मेरी, क्योंकि उसका हमेशा यही होता है, फ्लाइट कभी छूट जाती है, कभी डिले हो जाती है, कभी कैंसिल हो जाती है। फिर भी यही हुआ। नहीं पहुंच तो गए थे, डेढ़ घंटा मतलब एक घंटा पड़ा था, बिल्कुल सब चेकिंग वेकिंग सब हो गई थी, पर लास्ट में इनको बर्गर दिख गया। और बर्गर ने इनकी फ्लाइट छुड़वा दी। चलो कोई ना, होता है। पर जीजू और कोमल दीदी तो कह रही आज के बाद हम बर्गर ही नहीं खाएंगे। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, बाकियों को पता नहीं, पर जीजू तो फेवरेट, जीजू का तो फेवरेट है बर्गर। वो कह रहे मैंने कहा ना मैं तो खाऊंगी नहीं आज के बाद बर्गर, तो कह रहे हाँ मुझे भी छुप के खाना पड़ेगा। खाना बर्गर ले आऊं? नहीं, नहीं मैं वैसे भी कम ही खाती हूँ, बस मेरे को वही था कि बर्गर किंग वाला। पर आज से तो नफरत होगी। हाँ भाई सच में कितनी महंगी पड़ गए बर्गर हमें। बाकी आंटी जी एक काम तो बढ़िया हो गया। क्या? हम घर खिचड़ी खाते। मैंने फिर भी खिचड़ी खाई है। आपने फिर भी खिचड़ी खाई है? हम वैसे खिचड़ी खाते, अब हम राजमा चावल खाएंगे। नहीं बट ऐसा फायदा नहीं चाहिए था, ये चले जाते नहीं नहीं अब तो जब गए नहीं तो फायदा तो उठाओ चीज़। हाँ ये बात भी है। मुझे ये लगा कि अब जैसे अगर जाएंगे तो चार पांच दिन फिर बाहर का ही खाना है, तभी ये लगा कि घर का खा लेते हैं आज। हाँ ये बात भी है। हाँ बाहर का खाना है, बर्गर खाना है। हाँ। बर्गर खाना है। तो गाइस आज है नेक्स्ट डे और आज दोबारा मैं एयरपोर्ट आ चुके हैं। बर्गर खाओगे? नहीं खाऊंगा। अरे खा लेना बर्गर, बर्गर बहुत महंगा था यार। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो कई कई बार हो जाता है। आप बर्गर की गलती क्यों निकाल रहे हो, इतना प्यारा होता है बर्गर। चार घंटे पहले आ गए, चार बर्गर खाना। ठीक है बाय 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 बाय, ध्यान रखना ध्यान रखना बाय। चाहे फ्लाइट के पीछे लटकना पड़े मेरे को, टायर हो गए वहीं बैठ जाऊंगा चुप के। आज घर मत आना, अगर छूट भी जाए ना आज घर आएंगे तो देश निकाला दिया जाएगा। चलो एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं होगी आगे से, सारे ऐसे ही करते हैं यार। चलो बाय 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 बाय। तो गाइस अभी पारस भाई को आज फिर से छोड़ दिया है, तो देखते हैं भाई आज फ्लाइट मिलती है या नहीं मिलती। होप सो मिल ही जाए कि आज भी वापस ना आना पड़े बर्गर के लिए, पर आज मिल जाएगी भाई। अब बच्चे थोड़ा ना कि बारी बारी गलती करेंगे सेमी, आज तो चले ही जाएंगे। और अब हम चलते हैं घर पे। तो गाइस अभी घर आ चुके हैं पारस भाई को छोड़ के, तो अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और या मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा है इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि आपको वहां पे बहुत सारी स्टोरी देखने को मिलेंगी और बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट भी देखने को मिलेंगी, जो कि मैं पारस भाई के साथ भी डालता हूँ, भाभी जी के साथ भी डालूंगा आगे आने वाले टाइम में। तो गाइज वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है इंस्टाग्राम का, तो भाई उस पर क्लिक करके भी आप वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। आपको कुछ बोलना है? नहीं बोलना? चलो गाइज बाय बाय कर दो। बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, देखना मत भूलना।